सहजानंद स्वामी महाराज जय पधारो भगवन मंदिर अमारे पोकारे भुलकारी दैना द्वारे मंदिर अमारे पधारो भगवन मंदिर अमारे पोकारे भुलकारी दैना द्वारे मंदिर हमारे श्री जी पधारो गुणातीत साते श्री जी पधारो गुणातीत साते आत्म प्रणामावतर छो सदाए आत्म प्रणामावतर छो सदाए भगत जी जग स्वामी अदासी भगत जी जग स्वामी अदासी बिराजो शास्त्री जी योगी जी साते मंदिर हमारे बिराजो शास्त्री जी योगी जी साते मंदिर हमारे पधारो भगवन मंदिर हमारे पोकारे भुलकारी दैना द्वारे मंदिर हमारे काका जी पप्पा जी स्वामी पधारो साहेब बिहारी सुरद साथी दारो ज्योति धरो दिव्य सौरभ प्रसारे अवनी न द्वारे मंदिर हमारे मंदिर हमारे अवनी न द्वारे पधारो भगवन मंदिर हमारे ओकारे भुलकारी दैना द्वारे मंदिर हमारे मंदिर हमारे मंदिर हमारे अतः मंगलाचरणम श्रीमद् सद्गुणशालिनम चिदचिदि व्याप्तम च दिव्याकृतिम जीवे साक्षर मुक्तकोटि सुखदम नैकावताराधिपम ज्ञेयं श्रीपुरुषोत्तमं मुनिवरे वेदादिकीर्त्यं विभुं तन्मूलाक्षरयुक्तमेव सहजा नन्दं च वन्दे सदा गुरुरतीतोऽक्षरं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तम जनो जाननिदं सत्यं मुच्यते भवबन्धना जे उत्पत्ति स्थिति लय करे वेदोस्तुति उच्चरे जनारोम सुचिद्रमाणु समा ब्रह्मांड कोटि परे माया कालरवि सचि सुरगणो आज्ञान लोपेक्षण एवायक्षरधाम नायधिपति श्री स्वामी नारायण जैनी अमृतवाणी तो वैरही साक्षात्मयी मारुपे जैनी ब्राह्मी तिथि अहोलि न करे शुभव्ययक्षर पदे शरणा गत निजल्प जीव सहुना श्रेयार्त तत्पर रहे आगास्ने अल सिंधु दिव्य विभुने तो वंदन करे आच विनियम श्री सहजानंदाय बोलो नमो नमः श्री अक्षर पुरुषोत्तमाय नमो नमः श्री मुक्ताक्षर पुरुषोत्तमाय नमो नमः श्री भगत जी महाराजाय नमो नमः श्री जागा स्वामी महाराजाय नमो नमः श्री कृष्ण जी अदा महाराजाय नमो नमः श्री शास्त्री जी महाराजाय नमो नमः श्री योगी जी महाराजाय नमो नमः
नमः। श्री काका जी महाराजाय नमो नमः। श्री पप्पा जी महाराजाय नमो नमः। श्री हरि प्रसाद स्वामी महाराजाय नमो नमः। श्री अक्षर बिहारी स्वामी महाराजाय नमो नमः। श्री प्रमुख स्वामी महाराजाय नमो नमः। श्री महंत स्वामी महाराजाय नमो नमः। श्री जसुभाई साहेब ने नमो नमः। श्री दिनकर दादा ने नमो नमः। श्री गुरुजी ने नमो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। बाबेन ज्योतिबेन तारावेन ने नमो नमः। सर्व गुणातीत भक्तों ने नमो नमः। नाना दिव्य स्वरूपों ने नमो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। अतः प्राणायामः अतः संकल्प हाथ में पानी रखो। बेटा जिगर आप ही देखो नस्वीन पानी लो। महेंद्र बापूना त्रयोदशीनी महापूजाना संकल्पनु पानी लो। મહેન્દ્ર બાપુના ત્રયોદશીએ વરસાદ આવ્યો મહેન્દ્ર। અતઃ સંકલ્પ ઓમ નમઃ પરમાત્મને શ્રી સ્વામિનારાયણ પુરાણ પુરુષોત્તમાય તત્સત અદ્યઃ બ્રહ્મોદિત્ય પરાર્ધે શ્વેતવારાકલ્પે અષ્ટાવિંશતિતમે કલિયુગે કલિપરમ ચરણે પુરલોકે જંબુદ્વીપે ભરતવર્ષે ભરતખંડે આર્યાવર્તો પુણ્યભૂમો મહારાષ્ટ્ર મધ્યે મુંબાપુરી નગરે श्री अक्षर पुरुषोत्तम मंदिर अक्षरधाम पवई मध्ये मासोत्तम मास हे श्री ज्येष्ठ मास हे द्वादशाभ्याम शुक्लपक्षे द्वादशाभ्याम तिथो अने श्री बुध शुभवासरे हे पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण श्री सहजानंद स्वामी अनादि अक्षम गुणात्यान स्वामी अनादि महागोपालानंद स्वामी पांचो परमंचो हे भगत जी महाराज जागा स्वामी कृष्णदा हे शास्त्री महाज योगी महाज काकाजी बप्पाजी हरिप्रसाद स्वामी हे अक्षय साई मोहन साई प्रमुख स्वामी जसभाई साहब हरिभाई साहब दिनकर दादा महेंद्र बाबू भरत भाई अरुण भाई राजूभाई राजूभाई रक्षंद भाई अश्विन भाई घनश्याम भाई कोठारी साई प्रेम साई दास स्वामी मुखन साई माधव स्वामी निर्मण स्वामी गुरुजी भाई स्वामी संतो बाबेन ज्योतिबेन ताराबेन देवीबेन दीदी सर्व गुणातीत ज्योतना बहनों हरिधामना बहनों अक्षज्योति महिला केन्द्र दिल्लीना बहनों अक्षज्योति पवईना बहनों सर्व महिला समाज मातृशक्ति हे महाराज हे स्वामी आज महेंद्र बापूनी त्रयोदशीनी महापूजा करीए छीए सर्वे भाईओ मळीने करीए छीए अने अमारा मिलन भाई अने मैत्री बेन महापूजा करावे छे तो हे महाराज हे स्वामी हे काकाजी आपना पनोता पुत्र पसंदीदा पुत्र महेंद्र बापू का त्रयोदशी का महापूजा कर रहे महेंद्र बापू की जैसी निष्ठा महेंद्र बापू जैसे महात्मा का धोध महेंद्र बापू जैसी कथावार्ता का वेग हमको लगे महेंद्र बापू जैसा हरि भक्तों के लिए दुख बैठे हरि भक्तों के लिए फोन करे हरि भक्तों के लिए विचरण करे ऐसी हमारे में भी हरि भक्तों के लिए जीने की भावना प्रकट हो हरि भक्तों के लिए सेवा करने की भावना प्रकट हो ऐसे बापू के त्रयोदशी के दिन के ऊपर विशिष्ट प्रकार से महाराज से प्रार्थना करके मांगनी रखते हैं। हे महाराज हे स्वामी महेंद्र बापू का सब विधिवत कार्यक्रम अच्छा हो जाए और बापू की प्रसादी की चीज सब भक्तों को अच्छी तरह से मिले और बापू राजी रहे बापू खुश रहे ऐसा हम सब बर्तन करें। लास्ट में बापू बोलते थे कैसा हम सम श्रोतबा व्यक्ता से काम करें
हिल मिलजुल के काम करेगी। तो हे महाराज, हे स्वामी, सभी केंद्रों, पूर्ण गुणातीत समाज, पूर्ण स्वामीनारायण समाज, सब में सम सूरत भाव एकता का पूर्व हो, निर्दोष बुद्धि संबंध वाली दृष्टि का पूर्व हो, ऐसा भगवत भाव परम पूज्य भरत भाई और संतों की हाजिरी में, परम पूज्य माधुरी बहन और दिव्य बहनों की हाजिरी में किया है, मिलन भाई और मैत्री बहन द्वारा संकल्प किया है। तो हे महाराज, हे स्वामी, धर्मार्थ काम मोक्षार्थ प्राप्तस्य योगी राजस कृपया यथा ज्ञाने न यथा मिलितोपचार द्रव्य ध्यानावनादि षोडशोपचार अन्य उपचारे साक्षर मुक्ति सह मा पूजा संकल्पाख्यम अहम करिष्ये। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज। अपसर बंधुए भूता ये भूता भूमि संसिता ये भूता विघ्नकर्ता रत्यन्तु हरियाज्ञया अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशां सर्वशाम विरोधेन पूजा कर्म च समारभे आवनम स्थापनम च। हे महाराज, हे स्वामी, आपके आगमन को बधाने के लिए हम सब आपके नाम का जप करेंगे, उसके बाद सब हरि भक्तों को नमो नमो बोलना है, आवयामि स्थापयामि बोलना है, आवनम स्थापनम च। मध्ये श्री सहजानंद स्वामी स्वामीनारायण भगवान बोलो आवयामि स्थापयामि। दक्षिण भवनादि महामुक्त सद्गुरु श्री गोपालानंद स्वामी आवयामि स्थापयामि। वाम भवनादि मूलाक्षर मूर्ति सद्गुरु श्री गुणात्यान स्वामी आवयामि स्थापयामि। उत्तरे श्री प्राग जी भक्तम आवयामि स्थापयामि। दक्षिणे श्री जागा भक्तम कष्ट जी महाराजम च आवयामि स्थापयामि। पूर्वे श्री शास्त्री जी महाराज जगन पुरुष दास आवयामि स्थापयामि। पश्चिमे श्री योगी जी महाराज ज्ञान जीवन दास आवयामि स्थापयामि। नैऋत्य प्रकट ब्रह्म स्वरूप काका जी महाराज पप्पा जी महाराज च आवयामि स्थापयामि। कांति काका गोवर्धन काकाश्च आवयामि स्थापयामि। सर्वे एकांतिक भक्तो आवयामि स्थापयामि। अग्नो ब्रह्मज जसुभाई साहब हरिभाई संगो आवयामि स्थापयामि। दिनकर दादा गुरुजी संगो आवयामि। सर्वे संत भाइयो आवयामि। ईशान वायव्य प्रकट ब्रह्म स्वरूप परम पूज्य हरिप्रसाद स्वामी अक्षर ऐसाई महाराजम च आवयामि। प्रकट ब्रह्म स्वरूप प्रमुख स्वामी महाराज महंसाई महाराजम च आवयामि स्थापयामि। मोटेरा मोटेरा संतो आवयामि स्थापयामि। तमाम संत मंडल आवयामि स्थापयामि। सर्वे संतो आवयामि स्थापयामि। ईशाने सर्वसमस्त गुणातीत मंडल भक्तानाम आवयामि स्थापयामि। सर्वाचार्य महाराजो आवयामि स्थापयामि। सर्वे तीर्थो आवयामि स्थापयामि। सर्वेभ्यो देवेभ्यो आवयामि स्थापयामि। हे सौजीवनम महंतम च हरि प्रसादम महामुनिम अक्षर हरिदास च स्मरण कार्य सिद्धे सुखड़ा साकरदा योगिन कृपापते ग्रामे वसंती योगिनः संतातान भावेन स्मरणीयम सोर्स उपचार्य पूजनम अतः न्यास विधि। ओम अदपति उत्तर नारायण सुक्त ओम सहस्राशिका पुरुष इत्यादि षोडश रुचात्मक पुरुष सुक्त से नारायण श्री पुरुषोत्तम देवता अनुष्टुप छंद सुरंग न्यास विनियोग। दो हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं। निजात्मानं ब्रह्म रूपं देहत्रयविलक्षणं विभाव्यतेन कर्तव्या भक्ति हरि कृष्ण सर्वदा ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शौचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिं लभते परा तथा देहि तथा देवे इति पूर्वावेत्र न्यास कुर्यात् कलश्य पूजनम कलशापो ले ले बेटा कलश से चांदो करो चंदर चोखा चढ़ाओ पुष्प चढ़ाओ आली ले कलश्य पूजनम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रित मूले तत्रोस्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणार्स्मृता
उक्षोतु सागरा सर्वे सप्तदीपा वसुंधरा अंगे ससरिता सर्वे कलशाम्बुसमात् गायत्री चैव सावित्री शांति पुष्टि करी तथा आयान्तु महापूजायार्थ दुरित क्षयकारिका तत्तु सयते ताणि यत्र कामफल प्रदातः मातः मार्जनम् ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोत्पवित्वा यस्मरेत योगिराज त्वः बाह्यभ्यन्तर सुबिं अतः दीप पूजनम् भक्त्या दीपं प्रयच्छामि देवाय परमात्मने संसार तमस्तपाय नमस्ते ज्योतिरूपिण स्वामी नरमात्म नम सरोपचारार्थे गंधम पुष्पम नमस्करोमि अतः शंख पूजनम बेटा शंख की पूजा करो शंखे चंद्रा कदेवित्यम वरुणम च अधिदेवतम प्रजापति विद्या अग्रे गंगा सरस्वती त्रैलोक्याणि तीर्थाणि वासुदेवस्य याज्ञया शंखे रिष्टेन दिवीपेन्द्र तस्मार्द श्री शंख सरोपचारार्थे गंधम पुष्पम समर्पयामि नमस्करोमि विष्णु विद्युत करे नमीतः सर्वदेवेश्च पाञ्चन्याय पावनाय धीमहि तन्नो शंख प्रचोदयात् घंटापूजनम् आगमनार्थ तु देवानां गमनार्थं ततु रक्षयाम् घंटानाद प्रभुवीत पश्चात् श्री घंट प्रपूज्ये स्वामिना परमात्मन नमः घंटस्य गरुडाय नमः आवयामि सुंदरम नवीन निर्दम श्यामम चिंतये पुरुषोत्तम ध्यामि ध्यान करो रविचंद्रनी कांति जाकी करे कोटि रविचंद्रनी कांति जाकी करे वातारावर रविशे नाथ वासे एवा तारा विषे नाथ बासे हे ध्यान धर ध्यान धर धर्मना पुत्रनो धर्मना कुंवरनो जे धगे सर्वसं अपना से ध्यान धर अंगो अंग पुष्पना आवरण पैरिने अंगो अंग पुष्पना आवरण पैरिने दास परमेरनी दृष्टि करता कहे चे मुक्तानंद भज दृढ़ भाव सो कहे चे मुक्तानंद भज दृढ़ भाव सो सुखतना सिंधु सर्वे कष्ट हरता सुखतना सिंधु सर्वे कष्ट हरता हे ज्ञान धर ज्ञान धर धर्मना पुत्रनो धर्मना कुंवरनो जेत के सर्वसंतापना से हे ज्ञान धर ध्यान उत्तिष्ठति उत्तिष्ठति हे नाथ स्वामी नारायण प्रभु धर्मसूतो दया सिंधो सर्वेषां सेह परम गुरु आवनम आसनम च
रम्यं सुशोभनं दिव्यं सर्वशौचाक्षरशुभ आसनं च मया दत्त ग्रहाणा परमेश्वरं स्वामिना परमात्मनं नमाव्यामि आसनं समर्पयामि अतः पाद्यं उष्णोदकं निर्मलं चैव सर्वसौगन्धिसंयुतं पाद प्रक्षालनार्थाय पाद्यं च प्रतिगृह्यतां सर्वश्रुतमाय भक्तमण्डसिताय पाद्य पाद्यं समर्पयामि स्नानं उष्णोदकं च निर्मलं चैव सर्वसौगन्धिसंयुक्तं स्नानार्थजं मया दत्त ग्रहाणा परमेश्वरं स्नानं समर्पयामि आचमिनियं सर्वतीर्थसमायुक्तं सुगन्धो निर्मलं जल आचमनं च मया दत्त गृहाणा परमेश्वरं देवदेव नमस्तुभ्यं पुराणा पुरुषोत्तम दत्तमिदं तोय गृहीत्वा आचमनीयं गुरु स्वामिना परमात्मन समर्पयामि अतः पञ्चामृत स्नानं पञ्चामृतस्नानविधि पयोदति द्रुपं चैव मधुनि शर्करास्तथा पञ्चामृतं च मया नीतं स्नानार्थं च प्रतिगृह्यतां श्री अक्षरमाय भक्तमण्डलसहिताय मां पञ्चामृतस्नानविधि समर्पयामि पञ्चामृतस्नानविधि समर्पयामि अन्ते दोदकस्नानविधिः नदीनामेव सरसां मया नित्यं जलं शुभं ग्रहाणस्नानमन्त्रेण प्रभो स्नाने उच्यतं गङ्गा गोदावरी गोण्डली नेणे मोहनावर काम तयो मारुत्यारे चंदन चरचूचे हसता सुंदर काड़ा पड़े छे गाले ए जी हसता सुंदर काड़ा पड़े छे गाले जी पूर्वनो पुण्य प्रगट तयो जारे स्वामी नारायण मरियार त्यारे ए जी स्वामी नारायण मरिया वस्त्रम वस्त्रम इमं गृहाणत्वम सूक्ष्मकारे तंदुभि सुवर्णेन विराजितं वस्त्रमिगं समभियामि यज्ञोपवीतं यज्ञोपवीतां परमापवित्रं प्रजापतेय सहज पुरुषात् आयोष्यमगरं प्रदिवोञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतां बलम समना परमात्मा यज्ञोपवीत समर्पयामि अतः चंदनम चंदनम मलयद्भुक्तम कस्तूर गुरु संयुक्तम कर्पूरेण च सम्मिश्रम स्वीकुरम च विलेपनम स्वामिना परमात्मन नमः चंदनम समर्पयामि श्री वासुदेव विमलामृत धाम वासम नारायणम नरकता प्रणनाम धेयम् श्यामं सितं त्रिभुजमेव चतुर्भुजं च त्वं भक्तिधर्मतनयं शरणं प्रपद्ये शिक्षातमत्र निजभक्तिमतां नारायणम् एकान्तधर्ममखिलं परिशीलयन्तम् अष्टाङ्गयोगकरणास्य महाव्रतानि त्वं भक्तिधर्मतनय शरणं प्रपद्ये जैनूनामरटाद के मलिन संकल्पोत्समूढा गया जैन शरणतया पची भवतना फिरा विरामी गया जैना गान दसो दिसे हरिजनो गावे अति हर्षति
एवा यज्ञ पुरुष दास तमने पाए नमूरीतति वाणी अमृत देवरे मधुसमी संजीवनी लोकमा दृष्टि मां बरि दिव्यता निरखता सो दिव्य भक्तो बधाई है तबरो मिलो जननी सोने हस्य मुखे वशु ते श्री ज्ञान जियो गिरा जगरुने नित्य नमो भावसु आज मारे ओ रणे रे आव्याय विनाशी अलबेल बाई में बुलाविया रे सुंदर छोगा वाड़ो छेल निरख्या नेणा भरी रे नटवर सुंदर सी घन श्याम शोभा निरखी लाजे कोटिक काम गोथी गुलाब नारे कंठे आरोग्या में हार लईने वारणारे चरणे लागी वारम वार आप्या में तो आदरे रे बेसवा चाकड़ियो करी प्यार पूछा प्रीत सोरे बाई में सर्वे समाचार कहो ने हरि क्या तारे क्या तक आव्या धर्म कुआर सुंदर सोबतारे अंगे सजिया छे सणगाड़ पैरी प्रीत सोरे तुरंगी सुख लड़ी सुख देण नाड़ी हीरनी रे जोता तृप्तन ताए नेण ऊपर ओढ़ियो रे रूढ़ो रेटो जोया लाल सजनी आस मेरे धन्य धन्य निरख्या जेना मस्तक ऊपरे रे बांधो मोड़ीड़ो अमोल कोटि करवि ससीरे ए तो नावे तेने तोल रे समी कोड़नो रे कर्मा छायो छे रूमा प्रेमानंद तो रे पुष्पम शतपत्रिकर्णिकारे चंपकम मिकालिदिभिः पुष्पे नारनाविदिश्चैव पूजयामि परमात्मन पुष्पम समर्पयामि धूपम दशांगकुलम धूपम सुगंधम सुमनोहरम ग्रहादेवदेवेश परमेश्वर स्वयना परमात्मन धूपम समर्पयामि दीपम भक्त्यादिपम प्रयच्छामि देवाय परमात्मन नमस्ते ज्योतिर्पिण दीपम दर्शयामि अतः नैवेद्यम अन्नम चतुर्विधं स्वादो रसै षड्भिः समन्वितं भक्षभोजनं समायुक्तं नैवेद्यं च प्रतिगृह्यताम् अक्षरपुरुषोत्तमाय भक्तमण्डलसहिताय नैवेद्यं समर्पयामि आविया चोगला धारी मारे घेर आविया धामना धामी मारे घेर आविया चोगला धारी मारे घेर आविया धामना धामी लाडू जले बिने सेवा सुवाड़ी हूँ तो भावे करी लाई वो छू गारी मारे घेर आविया छोगला नारी मारे घेर आविया धामना धामी सूरण पूरण ने बाजी कारे लापा पड़वड़ी वंदक वालोड़ना साकर कैरा में तो चोड़ा पड़ी चमकारी मारे घेर आविया चोगला दारी मारे घेर आविया धामना धामी काजू कमोदना
बात कर्या मैं तो दाड़ करी बहु सारी वाला लींबू कगड़ी नाले जो तना कड़ी करी छे काटिया भाड़ी मारे घेर आविया छोगला धारी मारे घेर आविया धामना महाराज जमो स्वामी जमो गढ़पुर निवासी गोपीनाथ देव जमो लक्ष्मीनारायण देव जमो नरनारायण देव जमो हरि कृष्ण महाराज जमो गोंडलना घनश्याम महाराज जमो शाणिंगपुरना अक्षर पुरुषोत्तम महादेव जमो शास्त्री जी महाराज योगी जी महाराज जमो काका जी पप्पा जी हरिप्रसाद स्वामी जना मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम हे काका जी पप्पा जी हरिप्रसाद स्वामी अक्षय स्वामी महंत स्वामी प्रमुख स्वामी जसभाई साहब हरिभाई साहब दिनकर दादा गुरु जी धाम धामी मुक्तो जमो रे जमो जमो रे जमो जमो रे जमो जड़ रे घेलानी जारी भरी ने मारा स्वामी अड़वे अड़वे जड़ पियो ने तमे अवतार ना अवतारी मारे घेर आविया छोगला धारी मारे घेर धामी लविंग सो पारी ने पान बिड़वा वाली तजो एलची जावंतरी सारी निशदीन आवो तो भावे करी भेटू एम मागे जे राम ब्रह्मचारी महारे घेर आविया छोगला धारी रे महारे घेर आविया धामना अतः तांबूलम नागवली दले युक्तम भूगि फल समानितम कर्पूरेण तिरोवितम तांबूलम च प्रदीयताम अक्षर पुरुषोत्तमाय भक्त मंडल सीता यता तांबूलम समर्पयामि राजोपचार छत्रम जामरम एव भर्जनम दर्पणम तथा पादुका आदि सर्वाणि गृहताम परमेश्वरम राजोपचारार्थे छत्रम समर्पयामि चामकम समर्पयामि दंडम समर्पयामि आदर्शकम समर्पयामि रत्न खचित पादुका समर्पयामि वीणा भैरवी मृदुंग दुधिवाद्यानि समर्पयामि नृत्य समर्पयामि भावयामि निराजनम निराजनम गृहाणे स पंचवर्ती समन्वितम तेजो राशि मया दत्त लोकानंद कर प्रभु श्री अक्षर पुरुषोत्तमाय भक्तमंडल सहिताय इमाम आरार्तिक्यम समर्पयामि
પાટલાભ્યૈ પુન્ના ગજાતિ કરવીર રસાલ પુષ્પૈ કુંદ્ર પ્રવાળ તુલસી દલ માલતી સ્વં પૂજયામિ જગદીશ્વર લોકનાથ હરિ ઓમ યજ્ઞેન યજ્ઞમય જંત દેવા સ્થાનિ ધર્માણિ પ્રથમ ન્યાસંતે અહનાકન મહિમાન સજયંદ્ર યત્ર પૂર્વે સદ્યઃ સંતિ દેવાઃ ઓમ રાજાધિરાજાય પ્રસય્ય સાયિને નમો વયં વૈષ્ણવાય કુર્મહે સમે કામાન કામ કામાય મહ્યં કામેશ્વરો વૈષ્ણવણો દદાતુ કુબેરાય વૈષ્ણવણાય નમઃ ઓમ જં ભોજ્યં સ્વરાજ્યં વૈરાજ્યં પારમેષ્ઠ્યં ઓમ કો વિશ્વતો વહુતો વિશ્વતસ્ય સંપત્રે ધારવાર્મિજનેન દેવે કહ નારાયણ વિદ્મે વાસુદેવાય ધીમહિ તન્નો વિષ્ણુ ચોદ્યાત્. ઓમ શ્રી અક્ષર પુરુષોત્તમાય ભક્તમણિ વામ મંત્ર પુષ્પાંજલિમ કરતે હે સ્વામી નારાયણ 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 હે દયાળુ હે સ્વામી હે યોગીજી મહારાયણ નારાયણ 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 નમ્યારણ્યમ નારાયણ્યમ 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 હે દયાળુ હે સ્વામિનારાયણ ભગવાન નરોભરી સ્વામિનારાયણ નરોભરી સ્વામિનારાયણ નરોભરી સ્વામિનારાયણ જમ નારાયણ 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 હમિયારણ જમ નારાયણ 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 હમિયારણ જમ નારાયણ 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 જમ નારાયણ
હે મહારાજ, હે સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ, આજે મોકલાવી દેજો. હમી અરણ્યમ નારાયણ યમ નારાયણ યમ નારાયણ યમ નારાયણ, નહીં તો એ ફોટો પાડીને મોકલાવું કે આજે. હમી અરણ્યમ નારાયણ યમ નારાયણ યમ નારાયણ યમ નારાયણ યમ નારાયણ, હમી અરણ્યમ નારાયણ યમ 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 નારાયણ. હમી અરણ્ય અમે જે લખ્યું છે મોકલાવી દઈએ. હમી અરણ્યમ નારાયણ યમ 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 નારાયણ. હમી અરણ્ય યમ નારાયણ 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 યમ નારાયણ. હમી અરણ્ય યમ નારાયણ 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 યમ નારાયણ. હમી અરણ્ય યમ નારાયણ 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 યમ નારાયણ. હે કાકાજી, હે પપ્પાજી, 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 હે કાકાજી, હે પપ્પાજી. હમી અરણ્ય યમ નારાયણ 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 યમ નારાયણ. હમી અરણ્ય યમ નારાયણ 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 યમ નારાયણ. હે દયાળુ, હે સ્વામી, હે યોગીજી મહારાજ, નારાયણ 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 નારાયણ. હમી અરણ્ય યમ નારાયણ 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 યમ નારાયણ. હમી અરણ્ય યમ નારાયણ 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 યમ નારાયણ. હમી અરણ્ય યમ નારાયણ 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 યમ નારાયણ. હમી અરણ્ય યમ નારાયણ 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 યમ નારાયણ.
દાસ સ્વામીને આ પીડીએફ જે બનાવી છે ને એ મોકલી આપી છે, દાસ સ્વામીને મોકલી આપી અને લખ્યું છે કે આમ મેં મોકલી મેં ખાલી જોઈ લે, મેં લખ્યું છે હજી ચેક કરીને ફાઇનલ કરવાનું બાકી છે, તમે આ મેટર લઈ શકો છો. એમને જે લેવું હોય તે લે. એ પણ મોકલી આપો. હે મહારાયણ નારાયણ 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 હે દયાળુ, હે સ્વામી, હે યોગીજી હે દયાળુ, હે સ્વામી, હે યોગી બાપા, હે શાસ્ત્રીજી મહારાજ, હે યોગીજી મહારાજ, હે શાસ્ત્રીજી મહારાજ, હે યોગીજી મહારાજ,
हे दयाना सागर हे करुणा मूर्ति अदमोद्धारण वदित पावन स्वामी नारायण नम नारायण नम नारायण नम नारायण नम नारायण नम नारायण हमी नारायण नम 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 हे दयालु हे स्वामी नारायण जम 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 नारायण सहजान स्वामी महाराज हे महाराज हे स्वामी हे शास्त्री जी महाराज हे योगी जी महाराज हे काका जी महाराज हे पप्पा जी महाराज हे हरिप्रसाद स्वामी जी हे जसभाई साहेब हे अक्षर बिहारी स्वामी हे हरिभाई साहेब हे बा हे बेन हे ज्योति बेन हे दिनकर भाई हे गुरुजी हे कांति काका हे सर्व गुणातीत स्वरूपो मैं आपके संबंध से प्रत्यक्ष ब्रह्म स्वरूप हूँ मेरी सामने आया हुआ मुक्त अखंड दिव्य मनाए ब्रह्म की मूर्ति मनाए सिर के ताज मनाए और उनकी स्वधर्मे युक्त महात्म्य सहित सेवा कर पाए ऐसा आपके बल से आपकी कृपा से केवल आपके अनुग्रह से सहज ही दृढ़ कराना सहजान स्वामी महाराज साक्षात अक्षर दिव्य धाम स्वरूपां सत्यं परां धीमहि ध्यानाद्यस्य भवन्ति तदरूपजना शीघ्रं प्रसादातरेयो भूमो भ्रमस्करोत्यविरता प्रेम्णा वरे वैकता स श्री ज्ञान योगी राज सुभग कुर्यात् सदा मंगलम कुर्यात् सदा मंगलम ओ
शांति शांति शांति। सदा सर्वदा सर्वनु मंगल थाओ, सर्वनु भलो थाओ, सहु सुख्या सुख्या थाओ। शुभम भवतु मंगलम भवतु। सुजान स्वामी महाराज की जय। आज के आनंद की जय। सद्गुरु देव की जय। आज विशिष्ट माँ पूजा हमारे महेंद्र बापू की त्रयोदशी के निमित्त मिलन भाई और मैत्रीबेन के हस्तों से करी। बसी भाई हितेन भाई ने महापूजा कराई। सब बहनों भाइयों सब वो महापूजा में हाजिर रहे और बाद में यूट्यूब पे बहुत लोग वो महापूजा को देख के शामिल हो गए। ये महापूजा करने का बापू तो साधु थे और उनका कोई ऐसा मीनिंग नहीं है कि इसकी महापूजा करे और ये सब करे। वो आज ही याद करेंगे ऐसा नहीं है बापू को। वो हमेशा हमेशा कई भक्तों के हृदय में हम सबके हृदय में हमेशा रहने वाले। ऐसा उनने सत्संग में ऐसे उसने अपने आप को खो दिया था। इसलिए नहीं तो जनरली ऐसा होता है त्रयोदशी करते उसको याद करते लोगों को खाना खिलाते हैं और बाद में भूल जाते। मगर ये लोग के नहीं थे। बापू का व्यक्तित्व बापू ने जो सत्संग कराया है सभी देश परदेश में जैसी तरह से वो सभी भक्तों के साथ रसबस हुए हैं वो अद्वितीय है। ऐसा जो उनका जीवन था उनके नेचर पहले से ही योगी जी महाराज के संबंध में आए योगी जी महाराज के पास गए योगी महाराज ने बोला को थईस तभी से साधु बनने की ये जो आमंत्रण वो बापू को मिल गया था। बापू जब भी कॉलेज में पढ़ते थे तो उनको इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना था और इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं मिल रहा था तो उसने योगी जी महाराज वो टाइम में बहुत बोल रहे थे कि 25,000 रुपये का फ़ायदा होता है वो छोड़ के रविवार की सत्संग सभा भरो। बापू ने ऐसा डिसाइड किया कि मेरे को अगर इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिल गया तो मैं रविवार की सभा अचूक भरूंगा और एक साल का वायदा किया बहुत ज़्यादा लंबा जीवन भर का भी नहीं किया कि एक साल तक मैं संडे सभा भरूंगा और वो सब शुरू हो गया। उससे इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल गया कोई नई कॉलेज ओपन हुई और उसमें मिल गया एडमिशन। तो बाद में जो मानता मानी थी वो हिसाब से उसने शुरू किया। तो बाद में जैसे जैसे वो हर रविवार को सभा तो रविवार को वहाँ जाने का तो फ्रेंड को मिलने का भी संडे होता है तो जो बाहर के सब फ्रेंड थे वो सब अलग हो गए और सत्संग के फ्रेंड बढ़ने लगे। मगर बाद में भगवान कसौटी तो करते। तो ऐसा मानता मानी
और जैसे रविवार की सभा में जाने लगे तो एक बार कॉलेज जा रहे थे तो उसका पॉकेट कट गया और पास पैसा वगैरह सब चला गया। तो बोलते अरे यह भगवान के लिए काम कर रहे हैं, भगवान की सभा में जाते हैं और ये तो दुकाल में अधिक मास जैसा हो गया। वो टाइम में फाइनेंशियल कंडीशन भी इतनी अच्छी नहीं थी, तो पॉकेट चला गया। तो बोलते अभी पैसा भी नहीं है और सभा में जाना है, तो बोलते वो पॉकेट कट गया ने तो उसमें से भी गुण लिया। क्या गुण लिया? कि मित्रों के साथ जाएंगे तो 10 बार मित्रों के साथ जाएंगे तो एक बार हमको भी मित्रों को खाना खिलाना पड़ेगा। अभी पैसा ही नहीं है, पूरा महीने का पैसा चला गया, तो बोलते अभी वो भी नहीं जा सकते। तो ऐसा करके सत्संग के प्रति लगाव बढ़ने लगा। महंत स्वामी के साथ और वहाँ सब उत्तम चरण स्वामी करके थे उसके साथ वो सब लगाव बढ़ा। और बाद में बापू को बोला गया कि अभी आप कांदीवली में मंडल शुरू करो। तो बापू बोलते मेरे को स्वामीनारायण स्वामीनारायण करने में शर्म आती है, ताली बजाने में, तो मैं मंडल में कैसे सत्संग कराऊंगा, वो मेरे से मंडल नहीं होगा। मगर जो योगी जी महाराज ने बोला कांदीवली में मंडल शुरू करो, ना तो बोल नहीं सकते, और बापू को लीडर बनाया। तो बापू बोलते हैं कि आपुन हाँ तो बोलो, बाद में मंडल शुरू करेंगे, बाद में युवक मंडल नहीं आएंगे तो हम बोलेंगे कि कोई आता नहीं था इसलिए सभा बंद कर दी। एकदम सिंपल बात, ऐसा छुप मान के सभा शुरू किया। बाद में मंडल में हमारे जैसे लोग को बुलाते थे और हम जाते थे, और ऐसा मंडल में जाते थे और उतने में वहाँ मंदिर दादर मंदिर में ऐसा अनाउंस हुआ कि जो मंडल में लीडर बलवान होगा उसके मंडल में ज़्यादा लोग आएंगे और जिसका लीडर फौसी होगा उसके मंडल में ज़्यादा नहीं आएंगे। तो बापू बोले ये तो हमारे प्रेस्टीज का सवाल हो गया, इसलिए बोलते हम सबको बुलाओ। तो बापू बोलते थे हम साइकिल रखते थे आधा घंटा, और पूरा कांदीवली में जितने भी मंडल युवक मंडल है, जितने भी युवक है, जहाँ भी सब लोग जान पहचान है, सबके वहाँ जाके उसको बोलते थे आज सभा में आना। ऐसे हमारी सभा में करीब 10-15 लोग होते थे, हम धुन भजन करते थे सब में। हम तो बाद में जुड़े मगर वो पहले से ऐसे सभा करते थे। और बाद में बोला कि जो मंडल में 100 लोग आएंगे ना युवकों, उसके सभा में प्रमुख स्वामी या महंत स्वामी आएंगे। तो बाद में बापू ने बोल दिया कि हाँ हमारी सभा में है, आ जाओ। तो प्रमुख स्वामी महंत स्वामी, तो प्रमुख स्वामी ने आए नक्की कर दिया ये टाइम में आएंगे करके। मेरे को वो सभा अभी भी याद है, वो टेरेस में सभा थी हरिया काका के वहाँ, बड़ा ऐसा टेरेस था और उसमें हम सब लोग गए थे। हम बहुत छोटे थे और ऐसे बोले थे कि आओ, तो आ गए थे और बहुत लोग तो सभा वो वहाँ ही सो गए थे, ऐसे टेरेस में ही ऐसा हो गया था। और नीचे एक टेरेस में सभा थी तो नीचे एक लड़के को खड़ा रखा था, बच्चू भाई को, और बच्चू भाई एकदम ये था, कांदीवली में बहुत लोगों को जानने वाले थे, तो कोई भी आएगा उधर से निकलेगा चलो सभा में, उसको ऊपर पहुंचा देते थे, तो सीधा टेरेस में पहुंच जाते थे सब। तो ऐसा करके बहुत लोगों को इकट्ठा किया था और सभा हुई थी, और प्रमुख स्वामी भी शायद आए थे, मेरे को इतना याद नहीं है मगर आए थे, और महंत स्वामी या प्रमुख स्वामी आए थे। और बाद में वो टाइम तो हम बहुत छोटे थे तो मालूम भी नहीं है क्या है कैसे है, जाते थे ऐसा। और बाद में ऐसा करते करते बापू ने कांदीवली में बाद में उसका वर्ष कंप्लीट वर्ष होता है, कुछ प्रोग्राम होता है तो बोलते हैं उसकी वार्षिक मैगजीन निकालते हैं,
वो टाइम में ऐसा मैगजीन एल्बम ऐसा निकालने का बहुत ये था, क्या बोलते हैं, प्रथा थी कि कोई भी होता है तो ऐसा एल्बम निकालते हैं या तो कार्ड बनाते हैं या तो मैगजीन निकालते हैं। वो फिर बापू को, बापू ने बनाया, हमारे विपिन भाई काचलिया और वो सब के साथ में बना के एक मैगजीन जैसा बनाया और वो मैगजीन योगी जी महाराज के पास लेके गए। बापा ने उसमें आशीर्वाद लिख के दिया, कांदीवली में 125 कड़ी तोड़ परम एकांतिक हो गए। ऐसा करके बापा तो एकदम आशीर्वाद दिया। तो देखते हैं कांदीवली में आज कितने सारे मंदिर बन गए और हर एक फिरके के मंदिर हुआ कांदीवली, बीएपीएस का वड़ताल, फिर वो स्वामी जी का अपना भी वो सब चल रहा है, वो अहमदाबाद का, वहाँ 5-6 मंदिर है करीब करीब वो कांदीवली में, तो कहना ये है। और बहुत सारे भक्तों भी है, जहाँ भी देखे वहाँ कोई ना कोई तो स्वामीनारायण का मिल ही जाएगा। तो ऐसे बापू ने वो कांदीवली में शुरू किया, हमेरा सबका उद्घाटन किया और बाद में भी उसकी ये जो प्रवृत्ति थी वो खाली वहाँ पूर्ति नहीं रही, मगर बाद में तारदेव, फिर पवई में, फिर अमेरिका में, फिर पेरिस में, ऑस्ट्रेलिया में, मॉरिशियस में, फिर न्यूजीलैंड में, कहाँ कहाँ सब, लंदन में, सब जगह में जो भी भक्त मिलते हैं, एक भक्त होएगा तो उसके लिए भी वो वहाँ जाएंगे, महापूजा करेंगे, प्रार्थना करेंगे। अभी ये टाइम जब भी गए थे लंदन तो मेरा वो निखिल गढ़ वो मिल गया उसको, तो बोलते चल मैं तुमको घुमाता हूँ। निखिल बेचारा पहले बार लंदन में, उसको तो कुछ, तो उनकी कॉलेज में भी गया, उनके बोलते मेरे 2-3 फ्रेंड है तो आप आओ, तो उनका वो तो कहाँ रहते थे वो कार्डिक, कार्डिक इज़ वेरी फार फ्रॉम लंदन, तो उनके साथ वो वहाँ गए। फिर कोई एक को रेखा बेन करके थे डोंबिवली वाले, उनका लड़का वहाँ नेदर आयरलैंड के वहाँ कुछ पढ़ रहा है, हाँ स्कॉटलैंड पढ़ रहा था, तो बोलते चलो अपन वहाँ भी जाएंगे, तो उसके लिए वहाँ गए स्कॉटलैंड में। तो कहना ये है कि उनको भक्तों के साथ मिलना, भक्तों को सत्संग की बातें करना, वो उनका बहुत प्रिय सब्जेक्ट बोला जाएगा ऐसा था, और उसको उसमें आनंद आता था। हम जब भी उनके साथ पदरामणी में जाते थे तो बहुत, वो मेरे साथ सुरेंद्र भाई थे, सुरेंद्र भाई शाह, तो बोलते हैं 10 दिन बापू के साथ पदरामणी में चले, 10 दिन तक, 10-15 दिन, वो बोलते हैं ये पूरी हो गई, मेरे को बोलते पूरी महापूजा याद हो गई, जो भी कैसी तरह से पधरामणी करने की सब मालूम हो गया, ठाकुर जी पधराने का, मंत्र पुष्पांजलि करने की, आरती करने की, ये सब ओ सब मुखपाठ, ओम स्वामी नारायण भजन वगैरह सब बोलते हो गया मेरे को, स्वीकारी लो स्वीकारी लो, ये सब जहाँ भी जाएंगे वहाँ ये सब। बापू की स्टाइल बहुत अलग थी, वो ऐसा सोचते थे कि कोई भी भक्त के वहाँ जाएंगे तो वो भक्त को इतना तो पता चलना चाहिए कि स्वामीनारायण के कोई संत आए थे और कौन स्वामीनारायण है, स्वामीनारायण की उसको याद तो रहनी चाहिए, इसलिए उनको बराबर जीव में बिठना चाहिए, ऐसा खाली आए जय स्वामीनारायण करके चले गए ऐसा नहीं करने का। तो वहाँ जाएंगे थोड़ी चाय पाई, चाय बाई पहले तो पी लेंगे, बाद में बोलते हैं कि यो दिया लेके आओ, फिर ठाकुर जी पधराएंगे, फिर दिया लेके आएंगे, फिर दिया लाएंगे, बाद में बोलते अभी पूजन करो, वो भी पूजन करेंगे, बाद में बोलते अभी आरती लेके आओ, और आरती पूजन धीरे धीरे 1 घंटा तक उसको सत्संग कराएंगे और उसका पूरा उसके जीव में बैठेंगे। तो ये जो उनका एक स्टाइल थी स्पेशल, और हम जब भी बेंगलोर गए थे, मेरे को अभी भी वो याद है, और बेंगलोर गए थे ललिता राम ने उसके घर में कुछ महापूजा रखी थी,
तो मैं, बापू, फिर मेरे ख्याल से चित्रा बेन, दीपक भाई, जागीरदार वो भी थे, आप थे कि नहीं मालूम नहीं, बेंगलोर बेंगलोर ना, वसी भाई भी नहीं थे मोस्टली, और बापू थे और मैं था, और कोई वहाँ गए तो बापू ने इतनी सारी कथावार्ता और इतना ये सब किया, तो वो टाइम में वो निकिता बेन, दीपेश भिवंडी वाला है ना, उनके निकिता का फादर उसको बुलाया था सत्संग में, तो वो 3 घंटा बैठा सत्संग में। बाद में बापू को बोलते हैं, बापू आप कभी डांटते हो, कभी प्रेम करते हो, कभी एकदम महिमा की बातें करते हो, ये सब आपका मिश्रण इतना अद्भुत है कि कोई आदमी उधर से खिसक नहीं सकता है, बोलते कोई आदमी जा नहीं सकता है, ऐसा आपका आई लाइक बोलते वो बहुत उसने प्रेज किया था कि बापू आपकी स्टाइल बहुत अद्भुत है। तो ऐसे जो बापू वो आज ही याद आएंगे ऐसा नहीं है, मगर हमारे को हर दिन याद आते हैं, और कोई भी प्रसंग में पढ़ता हूँ, बुक भी पढ़ता हूँ, वसी भाई को सपने में भी आए, तो इसी तरह से ये सब बात हमारी ये याद रहने ही वाली है, भूलने के लिए नहीं है, मगर बापू हमेशा याद रहने के लिए है। तो आज हम इसी प्रार्थना करेंगे, हे बापू आपका जो गुण है, जैसे वसी भाई ने बताया, वो गुण हमारे जीवन में दृढ़ाव करें, हम आप में से जो अच्छाई अच्छाई है वो हम ग्रहण करें, आप जो चाहते हैं ऐसा हम जीवन जिए, काका जी के लिए, पप्पा जी के लिए, स्वामी जी के लिए, सत्संग के लिए, कोई भी उसका संबंधी है, कोई भी है उसको ये बोलेंगे भाई तू सत्संग की सेवा कर। मिलन को तो मैंने देखा है बहुत बार, बापू उसको बोलेंगे जा तू चेक दे दे, वो आग्रह करके उसको सेवा कराएंगे, मगर हाँ ये ने सेवा कराते थे, तो ऐसे सेवा कराने का उनको जे आग्रह था, आज भी बेटा थोड़ी सेवा कर लेना। बापू का याद करके तो कहना ये है कि ये तो बापू का एक ये था, कोई भी है उसका वो संबंध में थोड़ा सा भी आया होगा तो उससे बोलेंगे भाई तू सेवा कर, और ऐसी सेवा भक्ति में वो हमेशा रत रहते थे, कराने में भी रत रहते थे, ऐसे बापू को कोटि कोटि प्रणाम, मेरे अरुण भाई को भी कोटि कोटि प्रणाम। वसी भाई बोलते थे लॉकडाउन खुलेंगे बहुत लोग आएंगे, तभी अरुण भाई क्या करते थे वो मालूम पड़ेगा और तभी पता चलेगा। मेरे वो बच्चे युवक लोग सब बोलते थे कि जब भी अन्नकूट गुठाना होएगा तभी समझ में आएगा कि अरुण भाई कैसी तरह से वहाँ वहाँ यहाँ सब जगह में सबको अरेंज कर देते थे, मालूम भी नहीं पड़ता था कि अन्नकूट ये अरेंज कर दिया ऐसा। तो ऐसे सब मुक्त अक्षरधाम से आए थे, और अक्षरधाम के मुक्त हम तो उनसे जीवन से हमें जो ग्रहण करने लायक है वो हमारे जीवन में ग्रहण कर ले, वो और उनकी स्मृति में रहे। संतों की स्मृति करने से हमें बल मिलता है, और वो स्मृति करने से हमारे जीव में एक उत्साह, उमंग, प्रेरणा वो जागृत होती है। स्मृति करने से दुख नहीं लगाने का, मगर स्मृति करके ऐसा सोचने का कि हमारे अंदर में वो बल आए। बापू का जो कार्य है वो पहले बापू अकेले करते थे, अरुण भाई अकेले करते थे, आज अरुण भाई और बापू का कार्य करने के लिए हजारों लोग तैयार हो जाने चाहिए, और हजारों लोग ऐसा बोलने चाहिए हम बापू आपका काम करेंगे, हम आपके लिए कार्य करेंगे, जीवन जिएंगे, ऐसा हम बने, यही प्रार्थना। सहजान स्वामी महाराज की जय।
को चालिया मैं कीधु ने સાંભળો જે પ્રસંગ છે પછી જાય તો સારું હતું બહેન વેદાંતની રમુજી સાયક્લોન નહીં નડે હા તમે પહોંચશો ને ત્યાં સુધી કંઈ આવવાનું નથી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ સર્વોપરી શ્રી હરિ સહજાનંદ સ્વામી સ્વામી નારાયણ ભગવાન કી જય અનાદિ મૂળક્ષર મૂર્તિ શ્રી ગુણાતીતાનંદ સ્વામી મહારાજ કી જય શ્રી અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજ કી જય અનાદિ મહામુક્તરાજ શ્રી ગોપાળાનંદ સ્વામી મહારાજ કી જય મુક્ત અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજ કી જય સર્વ ગુણાતીત સ્વરૂપો કી જય બ્રહ્મ સ્વરૂપ કાકાજી મહારાજ કી જય આજ કે આ સ્મૃતિ દિન કી જય 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 પૂજ્ય મહેન્દ્ર બાપુ હમારે બહુ પુરાની પહેચાન એ લોકો તો બોલે લેકિન મેને वो जब वो दादर मंदिर रेगुलर सभा में आते थे युवक मंडल की और हम भी जाते थे वो कांदिवले से हम सांता क्रूज से तो एक दूसरे को इतना निजी पहचानते नहीं थे हमारे घनश्याम भाई वगैरह सब लोग उधर तक बचपन में आते थे लेकिन '1964 में ब्रह्मस्वरूप शास्त्री जी महाराज की शताब्दी का उत्सव था और उस टाइम पे रहने के लिए सबको टेंट बांध देती है था और करीबन 1,00,000 भक्त लोग उस टाइम पे वटलादरा आपने देखा होता पता चले कि उस टाइम पे कितना छोटा विलेज था भक्त लोग आने वाले थे देश परदेश से ज़्यादातर अफ्रीका में बहुत सत्संग था शास्त्री महाराज का निर्वाण उधर से और इधर से ये लंदन में अमेरिका में तो सत्संग ही कम था तो बम्बई मंडल के सेवा सौंप हर एक मंडल को सेवा सौंप दी थी तो एक युवक मंडल की सभा थी इसके पहले से शताब्दी से पहले की उसमें एक संत थे उसने अनाउंस किया कि हमारे भाग में सब लोग जो भोजन कर ले बाद में पतराला उठाने की सेवा बम्बई मंडल को दी गई है और हम सब योग को जाएंगे और हमारे योग का नेता रहेगा ये महेंद्र भाई तेरा बापू नेता कहता और तभी वो खड़ा होगा तभी बापू की मैंने देखा वो अभी आज एक मेरे बापू अंतर धाम में गए तो सब फोटो आए ना तो उस जमाने की एक फोटो आई इतनी बूढ़ी हुई सी थी हाफ पेंट में थे और बापू ने सबको ऐसा किया तभी बापू की मूर्ति देखी मैंने सभा में तो आते थे रेगुलर एक दूसरे को मिलते नहीं थे फिर अटलादरा भी समय में हम लोग एक ही टेंट में रहते थे लेकिन इतना नज़दीक नहीं थे परंतु समय जाते फिर मैं सीधा 68 का समय में जाने वाला था हमारा संस्था से विमुख होने के बाद में पहला समय था पहला मंदिर था सांकरदा मंदिर उसकी मूर्ति प्रतिष्ठा थी योगी जी महाराज का प्रागट्य दिन था और सांकरदा में धामधूम से उत्सव था उससे पहले जब काका जी हमारे घर आए तो फर्स्ट टाइम मैं काका जी के पास ये मैं और वसीबा भी बैठे उतना नज़दीक से बैठा काका जी ने मुझे बैठाया फिर मुझसे प्रॉमिस लिया कि आप ये समय में आना मैं बोला जरूर आऊँगा 2-3 टाइम प्रॉमिस दिया जाते जाते फिर काका जी चले गए काका जी को उस टाइम समय ही नहीं था 2 दिन इधर तो 4 दिन गुजरात इधर उधर दौड़ना ही पड़ता था जबरदस्त उसके सर पे वो लेके पढ़ते थे पूरा संस्था की अपना गुणाती समाज के संस्था की जिम्मेदारी तो जाने का समय आया तभी कैसे जाना मुझे तो यार किसी से पहचान नहीं लेकिन रमेश भाई जी से मुलाकात हो गई तो बोला कि हम सब लोग एक गाड़ी से जा रहे हैं आप हमारे साथ आ जाना उस टाइम पे गाड़ी में रिजर्वेशन की जरूरत नहीं थी बहुत गिरदी भी नहीं रहती थी तो 3 टायर सेकंड क्लास में सब भक्त लोग थे युवक लोग थे उसमें बापू थे राजू भाई भट्ट थे मैं था रमेश भाई थे और कुछ हमारे कांदिवली के गेलानी वगैरह थे
अरविंद गेलानी वगैरह भक्त लोग थे, करीबन 35-40 युवक लोग थे। और उस मुसाफरी में रात को आनंद मंगल करते ही गए, सोए ही नहीं कोई। बापू और रमेश भाई, राजू भाई से बहुत मेरी नज़दीक सी आत्मीयता हो गई। फिर समय में गए तो हर एक को अलग अलग डिपार्टमेंट की सेवा सौंप दी। मुझे ये यहाँ के VIP श्री, उस जमाने के रेलवे मिनिस्टर थे के होम मिनिस्टर अपने गुरजारी लाल नंदा जी, और उसके साथ हमारे लैंडलॉर्ड श्री चंद्रभान शर्मा जी का रहने का था। वो VIP गेस्ट हाउस में मुझे राजू भाई भट्ट के साथ रखा था। अभी समय गया, 68 का समय अभी धामधूम से हो गया, वहाँ से मैं तो चला गया, आत्मीयता हो गया। लेकिन जब विद्यानगर से मैं जा रहा था, हमारा फ्रेंड के साथ मैंने नक्की किया था कि उत्सव के बाद अपन आबू फिर्रे को जाएंगे, वो अंबा माता का भगत था, मैं बोला जरूर आऊँगा। तो साहब जी ने मुझे आज्ञा की कि आप हर इतवार तारदेव सभा में जाना, और उस आज्ञा समझो कि मेरे दिल में चिपक गई। काका जी की आज्ञा से आया और काका जी ने मेरी चेतना उसके तरफ खींच ली थी। सत्संग में तो बॉन्ड सत्संगी था, उसके लिए सवाल नहीं था। लेकिन और तब से मैं तारदेव जाने लग गया तो इन सब भाइयों से बहुत नज़दीकता हो गई। वहाँ हमारा अश्विन भाई का और प्रफुल्ल भाई का भी दर्शन हुए, घनश्याम भाई मिलते थे, रमेश भाई, पापू और राजू भट्ट को तो हमको पहचान गए थे, तो हम खूब नज़दीक आने लगे। फिर तो हम लोगों को ये 69 में काका जी बोले सेकंड बैच व्रत लेने का है, वो बापू का मुँह से आप लोग ने सुना था, वो प्रसंग में दोहराता नहीं क्या क्या हो लीलाएँ हुई थी उससे पहले। लेकिन एक तीन रमूजी प्रसंग उसमें से इसकी एक प्रसंग बोल देता हूँ। बापू ने काका जी को स्पष्ट बोल दिया था, मुझे साधु लेना है, मुझे शादी करनी है। काका जी बोले जरूर शादी कराएंगे। काका जी की बात अलग थी, हर एक जी चेतना को किस तरह से रूपांतर करना होता, लेकिन काका जी का दिल में बापू के प्रति बहुत स्पेशल कृपा थी बापू के ऊपर। मैंने बहुत समय प्रसंगों में देखा था बापू कितना भी उसके साथ बातें में गुस्से हो जाते, गुस्सा मतलब वो पद्धति उसकी थी, कुछ भी हो काका जी, लेकिन उसका एक काका जी के साथ भव्य संबंध था, खुला दिल और खुला मन का। वो किसी के साथ कुछ भी करना हो, कैसी भी अच्छी बुरी क्रिया करने को जाना हो, काका जी से बोल के जाएंगे, परमिशन नहीं लेंगे, लेकिन बोलेंगे मैं करता हूँ, आप मेरे साथ रहना। तो बापू को शादी करने था, फिर एक लड़की काका ने तो उपस्थित किया, एक लड़की को देखने आना था, और अपॉइंटमेंट हो गई और उसके साथ मिलने जाना था। वो मैं इनका हंसा बेन नाम था, हंसा नाम थी लड़की, एक सींची बंदर रहती थी। तो रमेश भाई बापू को इतना फर्स्ट क्लास मेकअप वेकअप करे, फर्स्ट क्लास तैयार किया, बापू भी ऐसे जोश से, मैं आज तो जाना है शेर मारने जाना है, इसी तैयारी। और बाजू में मैं भी खड़ा था, मैं जरा रमूज करने का आदत थी, लेकिन वो हंसते थे। लेकिन काका जी का खेल काका जी जानते हैं, वो तो उसकी चेतना जबरदस्त चेतना थी। फिर कहीं से वो बात उड़ गई तो भगवान ने ऐसा किया, बापू गया लेकिन वो लड़की बोलते मुझे ये लड़का पसंद नहीं है, दोनों के बीच में क्या चर्चा हुई थी पता नहीं था, काका जी का काम था। फिर तो बापू और हम लोग खूब, फिर 69 में दीक्षा ले ली, व्रत ले लिया, साधु हो गए, साधक की दीक्षा ली। तब से हम लोग इतने साथ में रहे। 1970 में काका जी ने मुझे तारदेव बुलाया, तो 2-4-6 महीना गया, राजू भट्ट को घर पर जाना था तो वो निमित्त से बुला लिया, तो वहाँ अश्विन भाई और प्रफुल्ल भाई रहते थे, एक हमारा जेठा भगत था। फिर थोड़ा समय के बाद रमेश भाई बोलता अभी मैं भी रहने आ जाता हूँ, अपने आप ही आ गए। तो बापू बोला मैं भी आ जाता हूँ। फिर हमारी तो मंडली जम गई तारदेव में। फिर तो 71-72 में वशी भाई, भरत भाई और अरुण भाई भी आए, तो 9 में आर्मी काका जी के तैयार हो गई थी। तो इतने प्रसंग तो बहुत है, कभी कभी समय, लेकिन दो रमूजी प्रसंग बोलता हूँ। बापू एकदम सुरूरी भी थे और आनंद मंगल भी बहुत करते थे, वो सब प्रसंग दूसरा नहीं डलेंगे। एक टाइम उसका एक सेवक था, नया नया सत्संग करा था, महेंद्र, उसका नाम भी महेंद्र, लेकिन वो सोनी था।
बापू ने उसको सत्संग करवाया था, तो बापू के प्रति उसे बापू ने उसको जॉब करवाई, अपनी कंपनी में लगवा दिया है। तो दोनों के वो हर रोज बापू को मिले, बापू बोले ऐसा करो ऐसा। तो एक समय ऐसा आया वो महेंद्र को कुछ तकलीफ हो गई, बीमारी जैसा हो गया। काका जी उस टाइम घर पे नहीं थे और वो महेंद्र आया तो बापू को बोलता, बापू मुझे तो ऐसा ऐसा ऐसा। बापू के कोई बांधा नहीं, चलो। तो बीच वाली रूम है जो पप्पा जी की रूम बोली जाए अपना हॉल के बाजू की, वहाँ ऊपर एक ठाकुर जी की मूर्ति थी। बापू ने ऐसा प्रसाद लिया उधर लगाया, चाल वो पलंग पे खड़े रह गए, धुन गया, ये ले ये खा जाओ सब ठीक हो जाएगा। और वो तो गया और मैं उधर अकेला मैं ही खड़ा था, मैं देखू ये लीला। मैं बोला बापू क्या कर रहे पता नहीं यार। फिर जो रमूज की बात ये हो गई कि दूसरे दिन से बापू को एकदम लूज मोशन, एकदम जोर से रह रहे पाए, बेचैन हो गए, साला ये क्या हो रहा हो, तो एकदम परेशान हो गया मैं क्या करूँ। फिर काका जी आए थे दूसरे दिन, तो काका जी को उसने जाके पूछा ये अंतरामी पुरुष कैसे काका जी थे और कितना बच्चे लोग प्रेम से उठाव लेते। तो देखने के बाद काका जी के पास गया, बोला काका जी मेरा पेट में लूज मोशन बहुत परेशान हो गया, कुछ करो। काका जी थोड़ी था ऐसे बैठा ऐसा उसके देते, फिर धीरे से बापू को पूछता है, देखो अंधेरामी पुरुष आपने किसी को आशीर्वाद बाशीर्वाद तो नहीं दिया था ना। और बापू की लाइट हो गई कि साला उसको मैंने आशीर्वाद, तो उसने उसका खुल्लापन का संबंध, हाँ बापू काका जी मैंने इसको आशीर्वाद दिया था। तब काका बोले ऐसा कभी करने का नहीं, जाओ ले भगवान को धुन करते ठीक हो जाएगा। और काका जी ने आशीर्वाद दिया और एक दो घंटे में तो उसका सब रिकवरी हो गया। लेकिन कहने का मतलब उसका बापू ऐसा था, ये शारदाबेन के भाई भी बिपिन के साथ भी उसकी अच्छी दोस्ती थी, उसको भी एक दो टाइम ऐसा आनंद करवाया था उसने। और तीसरा प्रसंग अभी वैसे तो बहुत है, लास्ट में 2019 में हम लोग सब भरत भाई थे, कृपाबेन थी, हम लोग लीलूबेन थी, किशोर भाई, हम सब अमरीका गए थे। अमरीका से कैनेडा जाने का प्रसंग हो गया। कैनेडा में टोरंटो में दो तीन जगह पे महापूजा रखी थी, कुछ जगह पे बापू का जो जूना संबंध था ना उसका, तो बापू बोलता मैं ही महापूजा करूँ, मुझे बोलता तो एक बाजू बैठ जा, और बापू कर लेते थे। डेट्रॉइट में किया था ऐसा, इधर भी किया। तो टोरंटो में हमारा सचिन श्रीवास्तव है उसके घर पर हम लोग पहुँचे, महापूजा सब सजा दी। बापू बोलते राजू बाजू हट जा, मैं पूजा कर, हाँ बापू आप कीजिए, और करने लगा उसने मंत्र। अभी प्रसंग हिसाब क्या, उधर कुछ चोखा मतलब अक्षत डालने के थे, तो बापू के हाथ में वो आरती का दिया, तो जोर जोर बोलते जा दिया के बाट खींचते जा बाट खींचते। तो बाजू में सचिन हंसने लगा और मैं उसके सामने एक जोर से हंसू। फिर धीरे से बापू का, बापू ये बाती है तंदुल नहीं है। ओह फिर लाओ, तो बापू ऐसे उमंग में आ जाते थे। आज की तारीख में वो प्रसंग याद करता हूँ हंसता हूँ मैं। बापू का लेकिन शूरता का अंग काका जी का पहचान करवाना, काका जी की निष्ठा करवानी अक्षर प्रथम, आज की तारीख में भी उसके जितना काका जी के लिए दौड़धाम कर रहे हैं, बोला काका जी के सिवा उसका जीवन में कुछ नहीं, काका जी मायूरी। काका जी के लिए कोई आड़ा टेढ़ा बोले तो उसको थप्पड़ भी मारने को उठ जाता था। काका जी के साथ उसने बहुत तरीके से लड़ाई झगड़े भी करते हुए हमने देखा है, लेकिन वो प्रेम की सगाई थी, प्रेम था उसको काका जी का प्रति। और जब काका जी ने स्थूल देह त्याग किया, हम सब भाइयों में से सबसे ज्यादा रोया हुआ था बापू, खूब जोर जोर से रोया। लास्ट तक अग्नि संस्कार दिया, इधर से तारदेव से गया वहां तक, का आंखों से आंसू रुके नहीं रुके नहीं। तीसरे दिन अग्नि संस्कार के बाद दूसरे दिन अस्थि ठंडा करने की महापूजा थी। पप्पा जी ये बाजू बैठे, ये बाजू हम भाई लोग बैठे, बाजू में बापू थे, वो अस्थि रखी थी तो उसको ठार रहे थे। तो बापू ने ऐसी उठाई तो पप्पा जी उसका हाथ पकड़ा, बापू बापू इन्हें खवाई नहीं, तो कह नहीं मैं खाता नहीं मैं लेता हूँ मेरे पास। पप्पा जी बोले बाद में तुझे प्रसादी मिलेगी रख दे इधर। इतना बापू ये हो जाता था काका जी के लिए, लेकिन उसका दिल में काका जी उसके लिए ये बोले ना सब विचरण बहुत करते, एक ही निशान किधर भी गया उसको दिन नहीं रात नहीं, नहीं एक वालकेश्वर वाले इसका भाई का फ्रेंड का अनुभव करता सुबह से शाम तक उसने काका जी की बात की थी, एक घंटे के बदले पूरा दिन निकाला। तो आप काका जी की बात मुझे नहीं करो, मैंने बहुत सुन लिया ऐसा बापू का। तो हम सब भी इस बात को नज़रअंदाज नहीं करें कि इसे हमारे भाई ने अपने लोग को बेच दे दिया। कि योगी जी महाराज भी बोलते थे अपना गुरु ने क्षेत्राय करवाई अपनी भक्ति से, और उसके लिए वो तड़पते थे, उसके लिए बहुत उसको कई लोग उसको पीछे मुंह पे, कई लोग उसके पीठ के पीछे, कई लोग उसकी बेइज्जती करते कही करते, लेकिन उसने कभी भी उस बात को उसको मालूम भी पड़ जाता था कुछ ऐसे मेरे लिए बोलते हैं
लेकिन उसका दिमाग ठंडा रह जाता था, सह सह लेते थे। लेकिन उसने काका जी के लिए आखिरी दम तक काका जी काका जी काका जी करते थे। हम लोग अंदर बैठे थे तभी बोलते थे कि राजू काका जी आपने मल्या छे ने बधु सरोबरी थाई छे, सरस थई रह्यु छे। और लास्ट में उसने मुझे एक स्मृति भेंट दे दी। मुझे मालूम नहीं था अभी बापू जाएगा, तो उसने एक स्वामीनारायण मंत्र की इलेक्ट्रिक पे बुक रखी रूम में, 24 घंटा चालू है स्वामीनारायण चलता रहे। उसके पास एक थी एक्स्ट्रा, तो मुझे बोलता राजू सामने से बुला ये ले जा तेरे पास रख। तो मैंने आज तक मेरे कमर में 24 घंटा चलती, खाली बाहर आऊँ तब बंद कर देता हूँ स्विच ऑफ रूम में रात दिन। लेकिन वो हमेशा बापू की याद भी दिलाते, बापू ने ऐसे तो बहुत कुछ दिए थे। तो आज बापू के स्मृति दिन पे हम सब भाइयों मिलके बापू के मार्ग पे जाना है तो ये बात करें पक्की कि हम भी हमारे गुरु के लिए किसी की मोहब्बत अपने को नहीं पसंद नड़े। विवेक चाहिए लेकिन मोहब्बत में किसी की माया जाल में नहीं फंसे, किसी के शब्दों पे जाके अपने गुरु के लिए भक्ति अदा करेंगे। भक्ति परा भक्ति से अक्षर पुरुषोत्तम सासी महाराज योगी महाराज काका जी के लिए चाहे बदनामी होना पड़े, कोई कुछ भी बोलो, नजरअंदाज करके भी हम अपने गुरु के लिए मर मिट पड़े, यही बल बुद्धि प्रेरणा दे। यही प्रार्थना के साथ सभी को जय श्री स्वामी नारायण। नारायणतम 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 स्वामी नारायणतम 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 स्वामी 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 नारायणतम 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 स्वामी नारायणतम 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 सहजानंद स्वामी महाराज जय जय जय। બાપુની સ્મૃતિઓ તો ઘણી છે, બાપુનો સંગ 93 થયો લંડનમાં તે આજ સુધી જેમ બધા ભરતભાઈ રાજુભાઈ વાત કરી અમેરિકામાં પણ ઇંગ્લેન્ડમાં પણ પેરિસ મોરિશિયસ ઓસ્ટ્રેલિયા હોલેન્ડ ઘણી જગ્યાએ બાપુએ સત્સંગ કરાવ્યો અને બધાને એવી સ્મૃતિઓ મૂકી છે કે કોઈ ભૂલી ના શકે। જે પણ કોઈ સ્વામિનારાયણ નામ બોલે એટલે બાપુની સ્મૃતિ આવી જશે, કાકાજીનું નામ લે એટલે બાપુની સ્મૃતિ આવી જાય। ખરેખર હજુ એ ઘણા હરિભક્તો માનતા નથી, એ લોકો ફોન કરે કે આપણા પુષ્પાબેન પંચમત્યા આખા ઇંગ્લેન્ડમાં ખબર પડી ગઈ હતી, પણ એ બેનને હજુ ખબર જ નહોતી। પછી કોઈએ કીધું કે મહેન્દ્ર બાપુ ધામમાં ગયા, તો કે મહેન્દ્ર બાપુ નહીં એમના ભાઈ ગયા, તો કે એના બેઉ ગયા, ત્યારે એમને મને ફોન કર્યો કે સાચી વાત છે। મેં કીધું હા, એટલે ત્યાં તો હજુ ઘણા એવા છે કે જેને ત્યાં અમે બાપુ સાથે પહેલાં બહુ જ જાતા, થાનકી કુટુંબ છે, પછી એક બીજું એક કુટુંબ હતું જે કુવેતથી આવ્યું હતું એમને ત્યાં પણ બહુ જતા, એ બધા ખરેખર કાકાજીને બાપુજીને બાપુને બધા યાદ કરશે। જેમ ભરતભાઈ બતાવ્યું કે બાપુ ગમે ત્યાં જાય તો સાથે ઠાકોરજી હોય, ઠાકોરજી
બેગમાંથી કાઢવા પહેલાં ચાય કોફી જે પીવું એ પી લે અને પછી આસન કરાવે અને પછી ઠાકોરજી બેસાડે, પછી જેમ ભરતભાઈ કીધું કે આરતી લાવો, પૂજા પણ કરે, પુષ્પાંજલિ પણ કરે, કાકાજીની વાતો કરે, એમ કલાક દોઢ કલાક થઈ જાય. જ્યારે લંડન આવતા ત્યારે અમે હું 5 પધરામણીએ ગોઠવો હતો, પણ જે છેલ્લી પધરામણી હોય એ રાતના 11-12 વાગે. મને થયું કે 5 પધરામણી બહુ કહેવાય, તો 4 કરી, તો 4 પણ એવો ટાઈમ, પછી 3 કરી, તો પણ પછી 2 જ કરી, સવાર અને સાંજ. બાપુને ભગવાન આપવાની જે પ્રેક્ટિસ હતી, ભગવાન દેવા અને ભગવાન ભજાવા, એ એમનું મેઇન કાર્ય હતું. નાના છોકરાઓને ગિફ્ટ આપવી, મોટાઓને પણ ગિફ્ટ આપવી, ગમે કે ના ગમે પણ એ આપી દેતા, અને કોઈ એને ના ના પડતું, લઈ લેતા. હમણાં દેવન શોફન એને મેઇલમાં લખ્યું હતું કે બાપુએ કંઈક વર્ષો પહેલાં નાની નાની પ્રેઝન્ટો આપી હશે, એને રાખી મૂકી હતી. તો જ્યારે કબાટ ખોલ્યો એને તો જોયું કે આ તો બધી બાપુની ગિફ્ટ છે. એને એવા ઘણા હરિભક્તો હશે કે જેને બાપુએ કંઈ ને કંઈ આપ્યું હશે. એમને એક બુક બહુ વાલી હતી, ઓપનિંગ ધી ડોર્સ વિધિન. એ જો પબ્લિશરને માટે એને જો એડવર્ટાઇઝ કરી હોય તો એ બાપુએ કરી. 10-10, 15-15 બુકો પહેલાં મગાવતા મારી આગળ. મને કહેતો આ બધું શું કર્યો, કે બધાને આપવામાં કામ આવે ને પછી કહે તમને કંઈ પ્રોબ્લેમ હોય તો આ બુક ખોલજો, એમાં તમારો આન્સર મળી જશે. બાપુની સ્મૃતિઓ ઘણી છે. ઘણા બધાએ હરિભક્તોએ વાત કરી અમેરિકામાં, પેરિસમાં, સિડનીમાં, લંડનથી પણ. છેલ્લે છેલ્લે જે બાપુએ આપણાને જે માર્ગ બતાવ્યો છે, આપણે એકબીજા સાથે હરી મળીને એકબીજાનું ખમીએ, એકબીજાની અંદર કાકાજીને જુએ, જુઓ, અને ના ફાવે તો આપણે માસ્ટર કી છે ધૂનનો ઉપયોગ કરો, સાંજ રાતની પ્રાયશ્ચિત પ્રાર્થના 4-પોઈન્ટ પ્રોગ્રામ જે કાકાજીએ આપ્યો છે એ આપણે વાપરીએ. તો રિયલ સેન્સમાં આપણે કાકાજી અને બાપુને રાજી કરીએ, અને અત્યારના જે ગુણાતિસાદ પુરુષો આપણી સાથે છે એમના પણ આપણાને આશીર્વાદ મળી જાય, એ જ આજ શુભ દિને પ્રાર્થના. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. મહારાજ કી જય. બાપુ કી ત્રયોદશી કા કાર્યક્રમ યહાં સંપન્ન કરતે હૈ. જિન જિનોને ભક્તોને બાપુ કે લીએ સેવા દી હૈ, બાપુ કે લીએ અપના સંદેશા ભેજા હૈ, બાપુ કે લીએ મહાપૂજા કરાઈ હૈ, ઉ સબ ભક્તો કો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. ઉનકે લીએ પ્રાર્થના ભી કરી હૈ, ઓર હમ સબ એસે બાપુ ઓર અરુણભાઈ કી સ્મૃતિ મેં સદૈવ રહે, ઉનકે દિવ્ય ગુણો કી સ્મૃતિ ભરતભાઈ રાજુભાઈ કિશોરભાઈ માસ્ટરને કરવાઈ, વો હમ હંમેશા યાદ રખે, ઓર એક ને એક ગુણ હંમેશા સોચતે રહે ઓર હરરોજ ઉસકો તાજા રખે, એસી પ્રાર્થના કે સાથ આજ કી સભા સંપન્ન કરતે હૈ. અભી હમ 7 તારીખ કો મિલેંગે, 7 તારીખ કો કાકાજી કા પ્રગટ્ય દિન ઓર ભજન સંધ્યા દોનો સાથ મેં કરેંગે. તો 7 તારીખ કો 5 બજે લાઈવ કરને વાલે, તો આપ સબ 4:55 કો લાઈવ હો જાના, તાકી હમ રાઇટ ટાઈમ પે સભા ચાલુ કરકે કાર્યક્રમ કર સકે. ધન્યવાદ હે હમારે વિકાસભાઈ કો, ક્યુંકી કલ બહેનો કી ભી લાઈવ સભા હતી,
वो भी उन्होंने करी, और वो तो ड्यूअल थी, बहन लोग भी हमें दिख सकते थे और हम भी उनको दिख सकते, ऐसा लाइव सभा था। तो लॉकडाउन के कारण लाइव का ये बढ़ गया है, और लॉकडाउन तो ऐसे 8 तारीख को ख़त्म होता है, बट मंदिर का लॉकडाउन एक्सटेंडेड है, क्योंकि यहाँ पवई में रेड जोन है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए अभी मंदिर की गतिविधियाँ 15 तारीख को तो शुरू नहीं होंगी, 1 जुलाई होगा मोस्टली, तो वो हम बाद में अनाउंस करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, हम 7 तारीख को मिलेंगे। सहजानंद स्वामी महाराज की जय। सहजानंद स्वामी महाराज की जय। काका जी महाराज की जय। बापू की जय। बापू धाम में गया एवं समाचार पवनबेन तरफ थी मळ्या, पण हजू दिल में आ वात मनाती नथी। बापू धाम में गया नथी एवं लागे छे। बापू ना जुग में पवनबेन एटले दादा लालूबेन ना आशीर्वाद थी आव्या। પવનભાઈ ના ઘરમાં રિપેરિંગ કામ ચાલતું હતું અને પવનભાઈ કહ્યું, ભીખુભાઈ તમારા માટે સત્સંગની એક સેવા છે, એટલે મેં તરત જ હા પાડી। બાપુ બેરીસ આવે છે અને તમારા ઘરે બાપુને રાખવાની સેવા કરવાની છે। પવનભાઈ ના આશીર્વાદથી બાપુનો પહેલી સેવાનો લાભ મળ્યો અને બાપુનો સાથેનો સંબંધ થયો। બાપુના સંબંધમાં આવ્યા પછી બાપુએ કહ્યું, હવે આપણે રેસ્ટોરન્ટનું કામ બંધ કરી દેવાનું છે અને પ્રવીણભાઈના જેમ માર્કેટનું કામ શરૂ કરો। બાપુના આશીર્વાદ માર્કેટનું કામ શરૂ કર્યું। બાપુના આશીર્વાદથી માર્કેટનું કામ સરસ ચાલ્યું અને હાલે પણ ચાલે છે। અને ત્યાર પછી બાપુને પોતાનું ઘર લેવાની વાત કરી। બાપુના આશીર્વાદથી ઘર શોધવાનું શરૂ કર્યું। આ જ રૂમમાં ઘર જોયું હતું, બાપુ હા પાડે એટલે લેવાનું એવું નક્કી કર્યું હતું। બાપુ જોડે ઘર જોવા માટે ગયા, પરંતુ બાપુએ કહ્યું, આ ઘરમાં વાઇબ્રેશન સારા નથી અને એ રીતે કેન્સલ કર્યું। અને ઘરે આવ્યા તરત જ 10 મિનિટમાં બીજા ઘર માટે ફોન આવ્યો અને ફરી બાપુ જોડે જોવા માટે ગયા અને આ ઘર અને અત્યારે જે રહીએ છીએ એ બાપુના આશીર્વાદથી લીધું અને બાપુએ ઘરમાં મહા પૂજા કરી। અત્યારે ડિસેમ્બરમાં સિલોનની મેરેજમાં ઇન્ડિયા જવાનું થયું ત્યારે બાપુ પાસે કંઠી માંગી, મારા માટે અને સુરત માટે। બાપુ પાસે એક જ કંઠી હતી, બીજી કંઠી મહારાજને પહેરાવેલી ઉતારીને સુરતને આપી અને સુરતને આશીર્વાદ આપ્યા। સુરત તો ખૂબ જ નસીબદાર છે, તો એને મહારાજની પ્રસાદીની કંઠી મળી છે અને સલોનીના મેરેજનું કાર્ય સહાયતા પાર પડશે એવા આશીર્વાદ આપ્યા અને બાપુ પણ આપ્યા અને બાપુના આશીર્વાદથી મેરેજનું સર્વે કાર્ય સહાયક પાર પડ્યું। બાપુ પણ મેરેજમાં આવ્યા હતા। બાપુ પવનભાઈ ઠાકોરભાઈ જોડે હોલેન્ડ, જર્મની, બેલ્જિયમ, પોર્ટુગલ અનેક વખત જવાનું થયું। પેરિસમાં પણ બાપુ જોડે સર્વે હરિભક્તોને ઘરે જવાનું થતું। આ રીતે બાપુની સેવાનો લાભ મળ્યો। હે બાપુ, તમે જ્યારે સતી દેહ હતા ત્યારે જેવી સત્સંગની સેવા કરતા તેવી જ સેવા કાયમ માટે કરી શકીએ તેવા બળ આપજો। એ બાપુના ચરણો પ્રાર્થના। સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય। પૂજ્ય મહેન્દ્ર બાપુને મારી સ્મરણાંજલિ। પૂજ્ય બાપુ ગુરુહરિ કાકાજીના ચહિતા સેવક હતા અને જીવનભર કાકાજીની આજ્ઞા પ્રમાણે સ્વામિનારાયણ સમાજ માટે સેવા આપી ભગવાન સ્વામિનારાયણના બોધને સાક્ષાત્કાર કર્યો એવી મહેન્દ્ર બાપુની પ્રતિભા હતી। ગુરુહરિ કાકાજીએ તારદેવ મંદિરમાં નવરત્નની હારમાળા રૂપે એકબીજાને પૂરક રૂપે શ્રદ્ધાવાન અને યુવાન બ્રહ્મચારી સેવકોને સ્વામિનારાયણ ધર્મનો બોધ અને અંતિમ લક્ષ્ય પ્રાપ્ત કરવા માટેનો માર્ગનો ભેદ સમજાવ્યો છે। આ નવરત્ન માળાના મણકા રૂપે પૂજ્ય બાપુએ પોતાનું જીવન કાકાજીને અર્પણ કર્યું અને જીવનભર દેશ પરદેશમાં સ્વામિનારાયણ ભગવાનના વચનામૃતનો સત્સંગ અનેક આત્માને કરાવી સર્વ મુમુક્ષુને અક્ષરધામની પ્રાપ્તિ કરાવવા
अथाग पुरुषार्थ कर्यो। पूज्य बापूना कुटुंबना संस्कार एटला उत्तम हता के सर्व भाई बहने स्वामीनारायण धर्म माटे जीवनभरनी सेवा आपी अने गुरुहरि काकाजीना कृपाथी अक्षरधामना दर्शन पण कर्या। पूज्य अरुण भाई, पूज्य योगिनी बहन काकाजीना शरणामां जे सेवा आपी तेथी उत्तम धर्म ने प्राप्त करी सर्व स्वामीओना लाड़ीला अने पुलका बन्या छे। स्वामीनारायण समाज एमना प्रेम ने कदी भूलशे नहीं एवी मारी अटूट श्रद्धा छे। पूज्य बापूए तारदेव अने पूज्य दिनकर भाईनी सानिध्यमां सत्संग शिकागो अने तारदेवमां करावे जे पूज्य भरत भाई अने पूज्य वशी भाईना वचनोमां अनेक वार सांभळवा मळे छे। फाल्गुनी तथा मारी दीकरी हेमालीनी मित्रताना कारणे तारदेव मंदिरमां मारी पहली मुलाकात पूज्य बापूनी साथे थई अने ते घड़ीथी बापूनी कृपाथी हूँ पूज्य काकाजी साथे जोड़ायेलो छूं। पूज्य काकाजीए खूब ज सरळताथी स्वामीनारायण भगवानना वचनामृत समझावी मुमुक्षुने मार्गनी सीढ़ी बतावी छे। गुरुहरि काकाजीनी कृपाथी पूज्य भरत भाई अने पूज्य वशी भाई तथा सर्व तारदेव अने पवाई मंदिरना सेवाभावी भाई बहनोए अनंत आत्माने सत्य धर्मनी प्राप्ति करावी ब्रह्मरूप थवानो पुरुषार्थ कर्यो छे, जेमा पूज्य महेन्द्र बापूनु नाम सुनाना अक्षरमां लखाशे। सर्वने मारा वती अने मारी पत्नी रंजन वती जय स्वामीनारायण। स्वामी महाराजनी जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराजनी जय। महेन्द्र बापू अरुण भाई ज्यारथी योगी बापाना योगमां आव्या त्यारथी काकाजीना संपर्कमां आव्या। योगी बापानुं जेवुं सेवन कर्युं एमने એવું કાકાજીનું પણ એમને સેવન કર્યું। મહેન્દ્ર બાપુ એક કાકાજીના માનસ પુત્ર તરીકે જીવન જીવ્યા, આજના સેવક થઈને જીવન જીવ્યા। અરુણભાઈએ આખા મંદિરની બધી જ જવાબદારી સંપૂર્ણ સેવાની એમના હાથમાં હતી, પણ ક્યારેય એમને સેવાની અંદર કંટાળો આવ્યો નથી। ભગવાનના ભક્તોને ભગવાનના ભાવથી સેવા કરી અરુણભાઈએ, નાના મોટા તમામની સેવા કરી। મહેન્દ્ર બાપુએ આવતા જતા મહેમાનોનું સ્વાગત કરવું, દરેકને ઉતારા પાગરણની વ્યવસ્થાની અંદર કોઈ તકલીફ નથી, દરેક સમયાઓની અંદર એ ખડે પગે ભરતભાઈ અને વસીભાઈની સાથે ને સાથે રહ્યા। ક્યારેય કોઈ દિવસ એમને પોતાનું ધ્યાનપણું નથી રહ્યું કે હું કાકાજીની આટલી બધી સેવા કરું છું અને કોઈ કદર પણ મારી નથી કરતું એવો ક્યારે એમને વિચાર પણ નથી આવ્યો। મારે મહેન્દ્ર બાપુ અને અરુણભાઈ પાસેથી આ શીખવાનું છે કે હું ખરેખર સ્વામીજીનો, કાકાજીનો, કોઠારી સ્વામીજીનો સેવક થઈને સંપૂર્ણ જીવન જીવી શકું।